नेक्स्ट क्वेश्चन 45 सोर्स आपकी स्टडी मटल में सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मे 2024 आरटीपी में भी आया हुआ है मे 2024 आरटीपी भी लिख के रखना है और उसके पहले क्वेश्चन मे 2021 की आरटीपी में आया था तो स्टडी मटेरियल आरटीपी तक तो पहुंच चुका ये क्वेश्चन अगली बार वही क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग इस न्यू प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल बहुत ही इजी क्वेश्चन है सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स फिगर्स वन इनिशियल कैपिटल कॉस्ट फोर हंड्रेड करोर एनुअल यूनिट सोल्ड फाइव करोर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हंड्रेड वेरिएबल कॉस्ट 50 फिक्स्ड कॉस्ट 50 करोड़ डिस्काउंट रेट 6 परसेंट कम्प्यूट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट टू कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसीडरिंग अ 2.5 परसेंट एडवर्स वरायंस इन ईच वेरिएबल 2.5 परसेंट एडवर्स वरायंस इन ईच वेरिएबल सर इसका क्या मतलब है यानी जो भी ये वेरिएबल है अगर ये ढाई परसेंट से एडवर्सली चेंज हो जाए तो इसका एन में कितना इम्पैक्ट आएगा एंड विच वेरिएबल इज़ हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट किस वेरिएबल के टू पॉइंट फाइव परसेंट चेंज होने से एन सर्वाधिक चेंज होगा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज थ्री इयर्स लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ थ्री इयर्स ठीक है तो पहले मैं ओरिजिनल प्रोजेक्ट की एन कैसे निकालूंगा आपको पहले तो एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है उसके लिए आपकी एनुअल यूनिट सोल्ड है पाँच करोड़ सेलिंग प्राइस दिया हंड्रेड वेरिएबल कॉस्ट दिया पचास तो कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एनुअल कैश इनफ्लो आ गया उसको सिक्स परसेंट से डिस्काउंट करेंगे पीवी ऑफ इनफ्लो आ गया उसमें से चार सौ माइनस करेंगे एन तो क्यों बैठे हैं लिखते क्यों नहीं स्टेप वन स्टेप वन लिखना कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो पर ईयर अपने आंसर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है जितना हो सके कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो पर ईयर और स्टेप बाय स्टेप आंसर प्रेजेंट करना है आप चाहो तो एक लाइन में ही सारा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आंसर आ जाएगा ये कोई एलेवेंथ स्टैंडर्ड की एग्जाम नहीं है सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखो पहले सौ रुपया तुम्हें भले बोर हो होने दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पचास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिफ्टी नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड पर ईयर फाइव करोर नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड पर ईयर फाइव करोर टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन सी इंटू डी ढाई सौ करोड़ लेस फिक्स्ड कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट 50 करोड़ देयर फोर बोलो जी नेट कैश इनफ्लो पर ईयर 200 करोड़ कोई दिक्कत हुई अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे ना कंप्लेन मत करो कंप्लेन वाले मोड से बाहर आओ स्टेप नंबर टू लिखना स्टेप नंबर टू आप ऐसा आंसर लिखो कि मार्क्स काटने का स्कोप ही ना रहे ना तो तुम भी बैठ के फिर यूट्यूब में वीडियो बना बना के डालते रहना ठीक है मेरे साथ अन्याय हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ दी प्रोजेक्ट ईयर उसके बाद लिखना कैश फ्लो रुपीज इन करोर पीवी फैक्टर एट द रेट सिक्स परसेंट लास्ट कॉलम पीवी तो पहला आंसर तो आपको आसानी से प्राप्त हो गया ईयर कॉलम में लिखना ज़ीरो वन टू थ्री आप चाहो तो वन डैश थ्री भी लिख सकते हो वन डैश थ्री भी लिख सकते हैं क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो टू हंड्रेड ही है जिसकी जो रहता फैक्टर लिखना सिक्स परसेंट से फैक्टर लिखना वन 0.943, 0.890, 0.840 और अगर फैक्टर नहीं लिखना तो डायरेक्टली लास्ट कॉलम में लिख देना लास्ट कॉलम का टोटल कोई बता पाएगा क्या एक स्टूडेंट बताना चाहता है हम बोलिए जी 134.60 वेरी गुड हमारी क्लास में होशियार स्टूडेंट बैठते हैं उन्होंने आंसर दे दिया 134.60 इज राइट right. तो पहला आंसर हो गया समाप्त पहला आंसर के लिए हम इतनी दूर से आज नहीं आए थे दूसरे आंसर के लिए आए हैं गांव शहर छोड़ के कंप्यूट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडरिंग अ 2.5 परसेंट एडवर्स वेरांस इन ईच वेरिएबल विच वेरिएबल इज हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट ठीक है तो पहले एक नीचे नोट लिखेंगे नोट हिअर एनपीवी रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली आउटकम जो मैं NPV न, हम एनपी निकालते हैं ना वो यूजुअली मोस्ट लाइकली आउटकम होता है बिकॉज हम एज्यूम करते हैं सारे वेरिएबल जो हमने एज्यूम किए हैं वो हमें मिलेंगे लेकिन हो सकता है ना मिले एन रिप्रेजेंट मोस्ट लाइकली आउटकम एंड नॉट दी एक्चुअल आउटकम ये तो सबको पता है क्योंकि सारा खेल एस्टीमेशन पे टिका है और एस्टीमेशन पे हम जो भी काम करेंगे वो मोस्ट लाइकली आउटकम ही होगा एक्चुअल आउटकम नहीं होगा एक्चुअल आउटकम कैन बी एक्चुअल आउटकम कैन बी बोलो लोअर और हाइयर देन एक्सपेक्टेड आउटकम कैन बी लोअर और हाइयर देन दी एक्सपेक्टेड आउटकम तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं इज इट एक्चुअल आउटकम और एक्सपेक्टेड आउटकम तो आपको लिखना है एक्सपेक्टेड आउटकम है एक्चुअल आउटकम तो आपको बाद में पता चलेगा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा अब अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है उसने कहा है कि व्हाट विल बी योर रिवाइज्ड एनपीवी इफ ईच वेरिएबल चेंजेस बाय 2.5 परसेंट एडवर्सली एडवर्सली का मतलब सेल्स घटेगा सेलिंग प्राइस घटेगी लेकिन कॉस्ट बढ़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा ठीक है तो आपको हर चीज़ को ढाई परसेंट से घटाना नहीं है रेवेन्यू वाले आइटम्स को ढाई परसेंट से घटाना है जैसे सेलिंग प्राइस सेल्स क्वांटिटी लेकिन प्रोजेक्ट की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट इनको आपको टू पॉइंट फाइव परसेंट से बढ़ाना होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस लिखना कंसिडरिंग अ टू पॉइंट फाइव परसेंट एडवर्स वरायंस इन ईच वेरिएबल एक बड़ा सा टेबल ड्रॉ करना है सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स बेस बेस यानी ओरिजिनल ओरिजिनल क्वेश्चन ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज टू रुपीज़ फोर हंड्रेड टेन करोर तुम पूछो सर ये फोर हंड्रेड टेन कैसे आया पूछो मैं बताऊंगा फोर हंड्रेड तो ओरिजिनल था एडवर्स क्या होगा प्रोजेक्ट का कॉस्ट घटना या बढ़ना प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ना हमारे लिए एक एडवर्स इम्पैक्ट है तो उसको मैंने क्या किया चार सौ प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट कर दिया चार सौ प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट करो कितना आ रहा है चार सौ दस आ रहा है चार सौ दस आ रहा है उसके बाद सेलिंग प्राइस अभी कितनी है अभी सेलिंग प्राइस कितनी है बोलो सौ रुपया ढाई परसेंट कम कर दो ढाई परसेंट कम कर दो तो कितना आया नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट अभी कितना है पचास रुपये है उसको ढाई परसेंट से बढ़ाओ कितना होता है फिफ्टी वन पॉइंट टू फाइव उसके बाद अभी आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना पचास करोड़ है एडवर्स इंपैक्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ सकता है फिफ्टी प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट फिफ्टी वन पॉइंट टू फाइव करोड़ और लास्ट कॉलम यूनिट सोल्ड अभी हमारा ओरिजिनल एस्टिमेट में पाँच करोड़ है ओरिजिनल एस्टीमेट में पाँच करोड़ है लेकिन वो घट सकता है वो घट सकता तो 5 माइनस टू परसेंट करो इज इट 4.875 करोड़ पहले आप लिखना रुपीज़ 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 छः रुपीज बार पहले के तीन लाइन में जो क्वांटिटी और रुपीज़ में है और बाद में सारे क्वांटिटी रुपीज़ इन करोर हैं तो पहले तीन लाइन को हम कंप्लीट करते हैं बोलिए हाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पर बेस मतलब ओरिजिनल बेस कॉलम में जो क्वेश्चन में दिया वो लिखना है हंड्रेड सिर्फ सेलिंग प्राइस जहाँ पर आपने जिस हेडिंग में लिखा वहाँ जाके चेंज करना है सारे कॉलम में चेंज नहीं करना है ये सेलिंग प्राइस वाला कॉलम है तो प्लीज़ यहाँ पे जाके इसको 97.5 कर दीजिए इस इट राइट वेरिएबल कॉस्ट वाले कॉलम में भी सब जगह हंड्रेड लिखना है एक बार में एक ही कॉलम बदलेगा एक बार में एक ही कॉलम बदलेगा अदर कॉलम्स विल रिमेन कांस्टेंट। सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट 50 है ओरिजिनल में यहाँ पर भी क्या करना सिर्फ़ फोर्थ कॉलम में ये चेंज होगा और बाकी सारे कॉलम में 50 लिखना है पॉइंट नंबर सी लिखना पचास पचास फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव 48.75, 50, अगेन 50, बोलो हाँ अब आप क्या करो सारे कॉलम्स के ऊपर रुपीज़ इन करोर लिख दो सारे कॉलम्स के ऊपर रुपीज़ इन करोर आगे के फिगर करोर्स में आएंगे पॉइंट नंबर डी लिखना नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर ईयर अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो पूरे मार्क्स आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर ईयर ब्रैकेट में लिखना यूनिट्स इन करोर ब्रैकेट में लिखना यूनिट्स इन क्रोर्स यूनिट्स इन क्रोर लिखा क्या तो सिर्फ एक कॉलम में जाके चेंज करना है कौन से कॉलम में लास्ट कॉलम में लास्ट कॉलम में चेंज करना है 4.875 पॉइंट पॉइंट नंबर ई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सी इंटू डी करना टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सी इंटू डी बोलो जी 250, 250, 237.5, 243.75, बोलो हाँ 250, बोलो हाँ टू फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव कॉस्ट पर ईयर कौन सा कॉलम चेंज होगा फिक्सड कॉस्ट वाला सेकेंड लास्ट कॉलम फिफ्टी 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 रुक जाओ अब यहां पर इसको आपको फिफ्टी वन पॉइंट टू फाइव लिखना है फिफ्टी इज इट राइट तो अब आप मुझे बताओ नेट कैश इनफ्लो पर ईयर कितना होगा नेट कैश इनफ्लो पर ईयर कितना होगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन एटी सेवन पॉइंट फाइव वन नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव बोलिए ना हाँ हाँ वन नाइन्टी एट पॉइंट सेवन फाइव वन नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव इज इट राइट तो उसके बाद लिखना पी वी ऑफ नेट कैश इनफ्लो पर ईयर पी वी ऑफ नेट कैश इनफ्लो कैसे निकालना ये तो नेट इनफ्लो आ गया और आपका एनवी टी फैक्टर टू पॉइंट सिक्स सेवन थ्री है एनवी टी फैक्टर टू पॉइंट सिक्स सेवन थ्री है तो आप क्या करो पॉइंट नंबर जी वाले फिगर को टू पॉइंट सेवन सिक्स थ्री अब मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट जिनको नहीं पता है पहला नंबर को 2.673 से मल्टीप्लाई करो 2.673 पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टू हंड्रेड कीजिए 534.60 आ रहा है दूसरा नंबर सेम है तो वापस कॉपी कर लो अब सिर्फ इसको टाइप करो 187.5 एटी सेवन पॉइंट फाइव इक्वल टू प्रेस करो मेरी जादू देखो आया 501.19 193.75 और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए क्वेश्चन दी लेकिन फुल मार्क्स मिलेंगे 517.89 फिर से एक बार नेक्स्ट वन 531.26 लास्ट वन 517.89 सो यू यू हैव गॉट पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अब उसमें से एक चीज आपको माइनस करनी है क्या इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बेस कॉलम में 400 रखना लेकिन ये सेकेंड वाले कॉलम में यहाँ पर कुछ बदलेगा कितना लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे फोर हंड्रेड एंड टेन लिखेंगे फोर हंड्रेड टेन लिखेंगे सही जवाब बाकी कॉलम में कितना लिखेंगे चार सौ एक बार में एक ही कॉलम बदलना है एक बार में एक ही कॉलम बदलना है एन पी भी एच माइनस आई एच माइनस आई आराम से हाँ वन थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी ये तो आपने पहले भी निकाला था याद है क्या ये वही है वन ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्सटी स्टूडेंट इन दोनों कॉलम को कंपेयर करना है वन ज़ीरो वन पॉइंट वन नाइन विताउट कैलकुलेटर वन वन सेवन पॉइंट एट नाइन वन थर्टी वन पॉइंट टू सिक्स एंड वन वन सेवन पॉइंट एट नाइन स्टॉप वेट अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है सब डिस्काउंटिंग हो गई भाई साहब और क्या डिस्काउंट करेंगे ये एन आ गया ना डिस्काउंटिंग फैक्टर को एडजस्ट नहीं किया बाद में कर देंगे जगह नहीं है ठीक है डिस्काउंटिंग फैक्टर अभी कितना है छः परसेंट है तो बढ़ जाएगा तो सिक्स प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सिक्स हो जाएगा उससे बहुत मामूली फ़र्क पड़ेगा उससे बहुत ही सिक्स प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सिक्स कितना हुआ सिक्स पॉइंट वन फाइव परसेंट है तो सिक्स पॉइंट वन फाइव परसेंट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बाद में कर देंगे यहाँ तक तो मेरा आंसर सेम ही आएगा नेट इनफ्लो का बोलो हाँ उसको हम सिक्स पॉइंट वन फाइव करके भी देख लेंगे एक बार तुम्हारी मन की खुशी के लिए तो अब आपको एक काम करना है परसेंटेज चेंज इन एन पी वी निकालनी है परसेंटेज चेंज इन एनपीवी पहला कॉलम में कुछ मत लिखना पहले ध्यान से सुनना ये मेरा बेस है और अगर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बढ़ता है तो 124.60 हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस निकालना है कैलकुलेटर पे और डिवाइड बाय 134.60 करना है इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई वन थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी परसेंटेज इन टू हंड्रेड नेगेटिव सेवन पॉइंट फोर्टी थ्री परसेंट नेगेटिव इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज मेरा एन पी वी घट रहा है अगर कैपिटल कॉस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट से बढ़ गया तो एन पी वी सेवन पॉइंट फोर थ्री परसेंट से घट जाएगी एक बार और ट्राई करना इन दोनों का डिफरेंस लिखना डिवाइड बाई वन थर्टी फोर पॉइंट सिक्सटी इन टू हंड्रेड आंसर में नेगेटिव साइन लगाना बिकॉज एन घट रहा है ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया तो सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट बहुत है ढाई परसेंट सेलिंग प्राइस घटाने से एन करीब पच्चीस परसेंट घट गया एनीबडी ही वुड लाइक टू रिप्लाई द नेक्स्ट कॉलम इन दोनों का डिफरेंस लो हाँ बोलो वेरी गुड ट्वेल्व पॉइंट फोर वन परसेंट आई अप्रिशिएट यंसर नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट कॉलम जल्दी जल्दी हाथ चलाना है मंजिल तक पहुंच जाना है 2.48 परसेंट 2.48 परसेंट आया क्या लास्ट वाला बताइए 12.41 परसेंट नेगेटिव 12.41 परसेंट नेगेटिव इज इट राइट अब ये नोट मत लिखना एक मिनट रुक जाओ एक मिनट के लिए प्लीज़ वेट करेंगे एक और वेरिएबल हम टेस्ट करेंगे डिस्काउंट फैक्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है सिक्स परसेंट है तो एक और नोट लिखना पहले ये वाला नोट लिखना जो मैं लिखने जा रहा हूं क्योंकि वो भी टेस्ट करना चाहिए था तुमने सही कहा इंस्टीट्यूट ने भी टेस्ट नहीं किया लेकिन वो करना चाहिए था इफ डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस बाई टू पॉइंट फाइव परसेंट रिवाइज डिस्काउंट रेट वुड बी पहले तो रिवाइज डिस्काउंट रेट निकालेंगे अभी सिक्स है प्लस टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सिक्स तो ये हो गया सिक्स पॉइंट वन फाइव परसेंट बोलिए हाँ एन पी वी वैन डिस्काउंट रेट इज एन पी वी वैन डिस्काउंट रेट इज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट इक्वल टू तो आपका एनुअल इनफ्लो कितना है टू हंड्रेड एनुअल इनफ्लो इंटू पी वी एनवीटी फैक्टर सिक्स पॉइंट फिफ्टीन परसेंट कॉमा थ्री ईयर्स और इनिशियल इन्वेस्टमेंट चार सौ है क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट चार सौ है एक बार मुझे कोई फैक्टर बता दो फैक्टर बता दीजिए तीन साल और सिक्स पॉइंट फिफ्टीन परसेंट का फैक्टर टू पॉइंट सिक्स सेवन इतना सिक्स सिक्स फाइव सिक्स लिख दो ये क्या आपके इंस्टीट्यूट को मैं बहुत सालों से जानता हूँ टू पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव सिक्स माइनस फोर हंड्रेड अभी एन पी बताना वन डबल पॉइंट वन टू परसेंटेज चेंज इन एन पी वी वन डबल थ्री पॉइंट वन टू ओरिजिनल एन कितना था वन डिवाइड बाय 134.60 थर्टी इन इक्वल टू माइनस आंसर के साथ रेडी रहेंगे बहुत छोटा डिफरेंस आएगा हाँ 1.1 परसेंट बस नेगेटिव 1.1 परसेंट आ गया अब ये नोट नंबर टू लिख दो ऊपर जो नोट है ना उन्होंने पूछा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस वेरिएबल के चेंज होने से होगा तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर ढाई परसेंट से कम हो जाता है तो एनपीवी पे ट्वेंटी फोर पॉइंट एट टू परसेंट का इंपैक्ट आएगा सो राइट अ नोट अट ऑफ टेबल शोज दैट दबाफ टेबल table दैट that चेंजिंग वन वेरिएबल एट at a time चेंजिंग वन वेरिएबल एट at a time by 2.5 फाइव परसेंट बाई टू परसेंट ब्रैकेट में लिखना एडवर्स एडवर्स मतलब नेगेटिव इंपैक्ट ऑन NPV, जिससे NPV पी वी पे नेगेटिव इंपैक्ट आए वाइल्ड कीपिंग द अदर्स कांस्टेंट, और एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज करना है

Change in selling price has the maximum effect on the NPV. Change in selling price has the maximum effect on the NPV by 24.82%. By 24.82% is it right? तो इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है. अब ये आंसर कंप्लीट हो गया. ये क्वेश्चन మే 2024 RTP మే బి ఆ చుకా హై ఇస్కో ఆప్ ఇంపార్టెంట్ టిక్ కర్ లెంగే